Good morning. Students, today I am going to teach you the second part of the story, The Monkey and the Crocodile. I think you are eager to know what happened with the crocodile and what happened with the monkey. It will be very interesting to know. But to know this, you have to move forward. So, open page number 22. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी जो पत्नी थी नाराज हो गई, क्रोधित हो गई और उसने क्या किया? Dived into hide herself at the bottom of the river. नदी के नीचे वो छुपने के लिए चली गई, leaving the little ones to pester. Pester here means to trouble, तंग करने के लिए. छोटे बच्चों को पिता को तंग करने के लिए छोड़कर वो नीचे चली गई. The crocodile was in a serious dilemma. मगरमच्छ जो था वो dilemma means असमंजस की स्थिति में. Dilemma means critical state, दुविधा की घड़ी. तो वो बड़ा दुविधा की स्थिति में था. He loved his wife and was very fond of his friend too. वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी प्यार करता था. Finally, he decided to be on the side of his wife. और अंत में उसने क्या निर्णय लिया? कि वो अपनी पत्नी का पक्ष लेगा. She was his life partner after all. जो कुछ भी हो, वह उसकी पत्नी थी. I know it's a sin to betray a friend. मैं जानता हूं कि दोस्त को दगा देना एक पाप है. But I have no choice. लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. He said himself. उसने अपने आप कहा. I will invite the monkey home and hope for the best. मैं बंदर को अपने घर पर आमंत्रित करूंगा और आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा. My wife wants you over for a meal. Dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. मगरमच्छ जब अगली बार बंदर के पास गया तो क्या बोला? हे मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए बुला रही है. You must come home with me today. आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. With pleasure, said the monkey. बंदर बोला, बहुत खुशी की बात है. I am no swimmer. मैं तैरने वाला तो नहीं हूं. But can ride on your back. लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी कर सकूंगा. And they set out. और वो निकल पड़े. In the middle of the river, नदी के बीच में, where the current was the strongest, जहां पानी का बहाव तेज था, सबसे तेज था, the crocodile could no longer hide his intention. मगरमच्छ अपने इरादा को छुपा नहीं पाया. Sorry, my friend, he said hesitatingly. मेरे दोस्त, क्षमा करना, उसने हिचकिचाते हुए कहा. But I have to go under water now. लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना है. I have brought you here to kill you. मैंने तुमको यहां क्यों लाया है? मारने के लिए लाया है. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाए बिना जीवित नहीं रह पाएगी. अलविदा. The monkey was scared and distressed. मंकी जो था वो भयभीत हो गया और दुखी हुआ. But he was sensible and clever like all monkeys. लेकिन वो दूसरे बंदरों की तरह समझदार था और चतुर भी था. He kept a cool head. उसने क्या किया? उसने अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखा. Calmly he said, शांति से उसने कहा, I'd do anything for you and your family. मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. You are my only friend. तुम मेरा एकमात्र दोस्त हो. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife?
आखिर भाई एक मगरमच्छ के पत्नी से बढ़कर कहीं बंदर का हार्ट या कलेजा हो सकता है क्या? बट हाउ फूलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितना मूर्ख हो भाई। व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई वुड हैव ब्रॉट माय हार्ट अलोंग, मैं अपने साथ अपना दिल यानी कलेजा साथ में लाता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। लेकिन तुम्हारा कलेजा कहां है? क्रोकोडाइल ने इनोसेंटली मींस कहूंगा अनजान बनकर पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगता था कि तुम उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो कहां है, पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो तैर कर पीछे चलो और उसे प्राप्त करो। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, बंदर ने विश्वास जीतते हुए कहा। ओह डियर व्हाट ए मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने फुफकारते हुए बोला। अरे कितनी गलती हो गई। They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. जैसे ही मगरमच्छ पेड़ पर पहुंचने के लिए मुड़ा, दोनों जोर से हंसने लगे। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. नदी के किनारे पहुंचकर बंदर ने पेड़ के ऊपर छलांग लगाई और चैन की सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch. उसने क्या किया? एक या दो फल को सबसे नजदीक वाले टहनी से तोड़ा। And throwing them down said, और उसे नीचे फेंकते हुए बोला, Let your wife have some fruit rather than my heart. तुम अपनी पत्नी को मेरा कलेजा देने की जगह कुछ फल देना। क्यों? तो फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि जो ताजे फल हैं शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा दोस्त, गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वुडंट मीट अगेन, और यदि तुम्हें बुरा नहीं लगे तो हम लोग फिर दोबारा कभी मिलने वाले नहीं हैं। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर Said a few tears. अब जो क्रोकोडाइल जो था उदास, वह समझदार तो था ही, उसने क्या किया? कुछ सच्चे आंसू बहाए, which were genuine, कुछ सच्चे आंसू बहाए, and turn back to go home. और वो पीछे मुड़ा घर जाने के लिए। He was in a hurry. वो बड़ी जल्दीबाजी में था। To tell his wife a thing or two. उसे अपनी पत्नी को बताना था एक या दो बातें। इन दिस वे द स्टोरी फिनिश्ड। थैंक यू।